प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी दिए के लिए बाती बनाई है? इस बाती को बनाने में आप क्या उपयोग करते हैं? रुई है ना? रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। थोड़ी सी रुई लें, इसे खींचकर अलग करिए। आप पाएंगे कि ये छोटी छोटी पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी है। ये लड़ियाँ कपास के तंतुओं से बनती हैं। आपको पता है रुई कहाँ से आती है? रुई को हम खेत में उगाते हैं। कपास के पौधे काली मिट्टी और उष्ण गर्म जलवायु में उगाए जाते हैं। कपास का फल, कपास गोलक नींबू के आकार का होता है। पकने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और बिनौले कपास के बीज को देखा जा सकता है। ये देखिए कपास का खेत, ये इतना सफ़ेद हो जाता है मानो बर्फ़ ने ढक लिया हो। कपास को हाथों से चुना जाता है और फिर कंकतन द्वारा या हाथों से बीजों को रुई से अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ये हमारे पास कपास का पौधा है। जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो उसमें बीज या फल लगना शुरू होते हैं। तो ये इसका, चाहे इसको बीज समझें चाहे हम इसको फूल समझें, उसके बाद जब ये पक जाता है तो ये फूल के रूप में बाहर निकलने लगता है। और इस फूल में ये जो सफ़ेद सा भाग दिखाई देता है इसको बोलते हैं कपास। अब जब इसको हम इससे हटाते हैं तो इसके अंदर बीज होते हैं, जिन बीजों को हम बिनौले बोलते हैं। और इन बिनौलों को इस कपास से हटाने की जो विधि है इसको बोलते हैं कपास ओटना। फिर कपास ओटने के बाद ये जो कपास है इसका प्रयोग हम, इसमें जो छोटे छोटे जो रेशे दिखाई देते हैं इन रेशों से हम पहले तागा बनाते हैं। तागा बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें इन रेशों को हम पास पास लेते हैं, हाथ से हल्का हल्का दबाते हुए इसको ऐंठते जाते हैं। और कुछ देर बाद ये जैसे जैसे इसको ऐंठते जाते हैं तो ये एक तागे का रूप लेने लगता है। और इस प्रकार जब हम 2-3 तागे प्राप्त कर लेते हैं तो उन तागों को आपस में मिलाकर फिर हल्के हल्के आपस में ऐंठते हैं, तो इन तागों से इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उससे हमें धागा मिलता है। तो इस प्रकार हम कपास के पौधे के एक रेशे से धागा बनाने तक की प्रक्रिया पर पहुंच जाते हैं। और जब इन तागों को आपस में ऐंठते हैं तो ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, एक धागा बन जाता है। सूती तागे की कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई को लगातार ऐंठते हैं जिससे सारे रेशे पास पास आ जाते हैं और एक मजबूत तागा बन जाता है। कताई के लिए हम हस्ततकुआ यानी हाथ से चलने वाला या तकली का उपयोग भी करते हैं। चरखे से भी कताई की जाती है। और चरखे की बात पर याद आता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे को उसके उपयोग के लिए लोकप्रियता दिलवाई थी और भारत सरकार ने खादी के महत्व को देखते हुए 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया था।
ये लंबे लंबे पतले पतले पौधे पटसन के हैं, जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर वर्षा ऋतु में यह पश्चिम बंगाल, बिहार व असम में उगाया जाता है। इसे काटने के बाद कुछ दिन तक पानी में डुबो कर रखते हैं। हिमाचल में भी ऐसे पौधे हैं जिन्हें काटकर पानी में रखते हैं। इससे इनके तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को हाथ से खींचकर अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को तागों में बदल देते हैं।